पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 3 सूत्रीय एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग में बरती जा रही लापरवाही को लेकर ज्ञापन दिया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पोस्टमार्टम हाउस में गंदगी और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। ज्ञापन देने पहुंचे पूर्व महानगर अध्यक्ष शान अली शानू ने कहा कि आज 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। देखिए, आज हमने जिलाधिकारी महोदय को जो पोस्टमार्टम हाउस पे अव्यवस्थाएं उनको लेकर 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है जो बॉडी है उसके लिए फ्रीजर का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि शाम को जब बॉडी जाती है तो अगले दिन 1 बजे पोस्टमार्टम उसका होता है, तो वो जो बॉडी है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल उसमें आने लगती है, तो उसके लिए फ्रीजर का इंतजाम होना चाहिए। दूसरा हमारा बिंदु था, वहाँ पर साफ सफाई जो है वो बिल्कुल ध्वस्त है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा हमारा बिंदु है डॉक्टर जो है वहाँ 1 बजे आते हैं। हमारी मांग यह है कि डॉक्टर जो है वहाँ सुबह 8 बजे से और रात को 8 बजे तक वहाँ ड्यूटी रहनी चाहिए, जिससे लोगों को पोस्टमार्टम में परेशानी ना हो और उनके परिवार वाले जो ज़्यादा दुखी रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।